गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, 11th बायोलॉजी फाउंडेशन क्लासेस में आपका स्वागत है। बायोलॉजी में हम बायोलॉजी की शुरुआती जो वर्ड्स हैं, बायोलॉजी की जो टर्म्स हैं, उनको समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसी क्रम में हमने देखा कि बायोलॉजी जो है उसकी कैसे, उसके बारे में सबसे ज़्यादा बताया गया अरस्तु के द्वारा, उनको फादर ऑफ बायोलॉजी कहते हैं अपन। बायोलॉजी के जो वर्ड है वो किसने दिया था, लैमार्क और ट्रेविरेनस ने दिया। बायोलॉजी में हम बायोस प्लस लोगोस, इट मीन्स बायोस मतलब जीव और लोगोस मतलब स्टडी यानी कि अध्ययन। तो यहाँ पर अपन बायोस को लाइफ भी बोलते हैं, तो जीवों का या जीवन का अध्ययन जो है उसको बायोलॉजी कह रहे हैं अपन। बायोलॉजी की मुख्य दो शाखाएँ अपने पढ़ी थी, एक तो जंतु विज्ञान यानी जूलॉजी जिसके जनक भी अरस्तु हैं, और दूसरी वनस्पति विज्ञान यानी बॉटनी जिसके जनक थियोफ्रेस्टस है। तो इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हुए कुछ और चीज़ों के बारे में आज डिस्कस करेंगे। जैसा कि हमारा जो तरीका है वो सरल से जटिल वाला तरीका अपन अपनाएंगे सीखने का। एक शब्द है पदार्थ यानी मैटर। अब आप सोच रहे होंगे कि ये केमिस्ट्री कहाँ से आ गई बायोलॉजी में, केमिस्ट्री भी है बायो में। तो ये जो पदार्थ है, अगर आपसे पूछे कि पदार्थ क्या है या पदार्थ की डेफिनेशन क्या है, तो आप एक जटिल सी परिभाषा मेरे सामने रख दोगे। जबकि मैं पहले कह चुका हूँ कि यहाँ पर हमको जटिल चीज़ें अभी नहीं लानी है, अभी हम इसको सरलता से समझेंगे। सरल चीज़ें जल्दी अच्छी समझ में आती है, और उनसे जटिल चीज़ें कब बन जाती हमें पता ही नहीं लगता। तो सरलता की अगर बात करें तो वास्तव में पदार्थ क्या है, सिंपल जो कुछ भी हमारे चारों तरफ स्थित है, हमारे चारों तरफ मौजूद, यानी हमारे चारों तरफ जो कुछ भी मौजूद है वो पदार्थ है। कल भी अपन ने इस बात की थी, यानी कि ये मार्कर भी क्या है, पदार्थ है। ये डस्टर भी क्या है, पदार्थ है। आप भी कौन हो, पदार्थ हो, और मैं भी कौन हूँ, पदार्थ। हाँ, पदार्थ, हम भी पदार्थ हैं। यानी पदार्थ की सबसे सरल परिभाषा यही बन सकती है कि हमारे चारों तरफ जो कुछ भी है वो पदार्थ है। फिर उसमें हम ऐड कर सकते हैं कि वो स्थान घेरता है, तो जो कुछ भी हमारे चारों तरफ है वो स्थान घेर रहा है, यानी इसका भी कुछ स्थान है, इसका भी कुछ आयतन है, इसका भी कुछ भार है। तो हमारे चारों तरफ जो कुछ भी मौजूद है वो क्या है, पदार्थ है। और यहाँ मैंने अपनी बात की थी आपसे कि हम भी पदार्थ हैं, तो इस आधार पर पदार्थों को हम दो प्रकारों में बांट सकते हैं। एक तो होते हैं जैविक पदार्थ, यानी पहले अजैविक ले लेते हैं अपन, एक अजैविक पदार्थ और एक जैविक पदार्थ। अजैविक को हम निर्जीव भी कह सकते हैं, यानी नॉन लिविंग, और जैविक को हम सजीव भी कह सकते हैं यानी लिविंग। तो यहां पर हमारे सामने पदार्थ जो है, पदार्थ क्या है, हमारे चारों तरफ जो कुछ भी हो क्या है, पदार्थ है। और पदार्थ दो प्रकार के हो गए, एक तो निर्जीव पदार्थ और एक सजीव पदार्थ। अब निर्जीव पदार्थों में क्या क्या चीजें आती है, निर्जीव पदार्थों में जैसे वायु हो गई, जल हो गया, ठीक है। इसी तरह से अपन देखें कि जैसे कोई ठोस वस्तु जैसे पत्थर हो गया, प्रकाश हो गया, तापमान, ये सारी चीज़ें जो हैं, इस तरह की चीज़ें जो हमारे चारों तरफ निर्जीव चीज़ों के रूप में मौजूद है, मिट्टी है, ठीक है, मृदा हो गई, ये सब कैसे पदार्थ हैं, निर्जीव पदार्थ। सजीवों की बात करें तो यहाँ पर जंतु और वनस्पति यानी पेड़ पौधे, ये कैसे पदार्थ हैं, सजीव पदार्थ हैं। तो यहाँ से अपन ने ये जाना कि जो पदार्थ है वो क्या है, हमारे चारों तरफ जो कुछ भी मौजूद है वो क्या है, पदार्थ है, ठीक है। और पदार्थ कितने प्रकार के हो गए, दो प्रकार के, अजैविक यानी निर्जीव, नॉन लिविंग मैटर,
जिसमें वायु, प्रकाश, ठीक, इसमें मिट्टी है, ये सारी चीज़ें आएंगी। और जैविक पदार्थ जिसमें लिविंग पदार्थ में कौन कौन से आएंगे, जंतु, पादप आदि। ठीक है, तो ये तो हो गई शुरुआत की बात कि पदार्थ जो है दो प्रकार के होते हैं। अब हम बात करते हैं कि जीवन क्या है। जीवन यानी लाइफ, छोटी छोटी सी टर्म्स हैं जिनका हमको अर्थ पता है लेकिन हम इनको परिभाषित नहीं कर पा रहे हैं। जीवन यानी लाइफ, व्हाट इज लाइफ। कोई कहता है हम जी रहे हैं, ये लाइफ है। कोई कुछ व्यूज दे सकता है, लेकिन अगर हम जीवन को पदार्थ से जोड़ के देखें, अच्छा जीवन क्या है, जीवन यानी लाइफ का मतलब है कि जिसके अंदर जैविक क्रियाएं संपन्न हो रही है उसको क्या बोलेंगे, अपन जीवन बोलेंगे। यानी जैसे मान लीजिए मेरे हाथ में ये मार्कर है, ये क्या है, पदार्थ। कैसा पदार्थ, निर्जीव पदार्थ, अजैविक पदार्थ। अगर मान लीजिए ये अजैविक क्यों है, क्योंकि इसमें जैविक क्रियाएं नहीं हो रही। मान लीजिए इसमें जैविक क्रियाएं होने लग जाए, ये श्वसन करने लग जाए, ये पाचन करने लग जाए, ये उत्सर्जन करने लग जाए, ये अपने आप चलने लग जाए, तो ये क्या आ गई, इसके अंदर जैविक क्रियाएं आ गई। और जब जैविक क्रियाएं आ जाएंगी तो इस पदार्थ को तो बोलेंगे सजीव। क्या बोलेंगे, सजीव। और जैविक क्रियाओं का इसके अंदर संपन्न हो जाना बोलेंगे इसमें जीवन आ गया। क्या आ गया, जीवन। तो जीवन क्या हुआ, जीवन की जो परिभाषा है वो क्या निकल कर आई कि पदार्थ के संगठन, पदार्थ का संगठन है कि वह दशा, दशा यानी कंडीशन जिसमें यह कौन, पदार्थ वातावरण से रासायनिक ऊर्जा ग्रहण करके जैविक क्रियाएं संपन्न करता है। यानी कि यह पदार्थ जो है इसका ऐसा संगठन या इसकी ऐसी दशा या कंडीशन कि जब ये वातावरण से रासायनिक ऊर्जा लेकर और जैविक क्रियाएं संपन्न करने लग जाए तो उस कंडीशन को, उस दशा को जीवन कहेंगे, पदार्थ को नहीं कहेंगे, पदार्थ को तो सजीव कहेंगे। यानी कि अगर मान लीजिए इसमें जैविक क्रियाएं संपन्न होने लग जाए तो जैविक क्रियाओं का संपन्न होना जीवन, और जैविक क्रियाओं का रुक जाना मृत्यु। तो जीवन क्या हो गया, यानी कि इस पदार्थ के अंदर, किसी भी पदार्थ के अंदर मतलब वह एक दशा है, कंडीशन है। जीवन क्या है, एक कंडीशन है, कंडीशन लगा दी गई कि जब किसी पदार्थ में, किसमें, पदार्थ में जैविक क्रियाएं संपन्न होने लग जाए। सिंपल, और सिंपल ले लो कि किसी पदार्थ में जैविक क्रियाओं का संपन्न होना, शुरू होना जीवन है। जीवन क्या हो गया, किसी पदार्थ में जैविक क्रियाओं का संपन्न होना, और मृत्यु क्या है, जैविक क्रियाओं का रुक जाना। तो इस तरह से हमने देखा कि जीवन क्या है, पदार्थ के संगठन की वह दशा जिसमें वह वातावरण से रासायनिक ऊर्जा लेकर जैविक क्रियाएं संपन्न करता है उसे कह देते हैं जीवन। क्या कह देते हैं, जीवन। तो ये तो हो गया उसकी दशा, कंडीशन किसकी, पदार्थ की। और उस पदार्थ को क्या बोलेंगे, उस पदार्थ को बोलेंगे सजीव। क्या बोलेंगे, सजीव या लिविंग। तो ध्यान देंगे जीवन क्या है, जीवन का मतलब है किसी पदार्थ में जैविक क्रियाओं का संपन्न होना, और सजीव क्या है, जिस पदार्थ में जैविक क्रियाएं संपन्न हो रही है, यानी कि जो पदार्थ है जिसमें जैविक क्रियाएं संपन्न हो रही हैं उस पदार्थ को क्या बोलेंगे, पदार्थ को क्या बोलेंगे, सजीव बोलेंगे। जैविक क्रियाएं संपन्न हो रही उस पदार्थ को क्या बोलेंगे, सजीव बोलेंगे। ठीक है, तो सजीव होना और निर्जीव होना दोनों के बीच में जो एक कड़ी है वो है
जैविक क्रियाएं। क्या है? जैविक क्रियाएं। अब आप सोच रहे हैं जैविक क्रियाएं क्या होती है, यानी वो सभी क्रियाएं जो हमें सजीव बनाती हैं, और वो सभी क्रियाएं जो एक पदार्थ को निर्जीव बनाती हैं, यानी वो अगर है किसी जीव पदार्थ में तो वो सजीव है, और नहीं है तो वो निर्जीव है। तो अब वो जैविक क्रियाएं कौन सी होती हैं जो किसी भी पदार्थ को सजीव बना देती हैं, तो इनको बोलते हैं जैविक क्रियाएं, या फिर अपन कह सकते हैं कि सजीवता के लक्षण। सजीवता के लक्षण क्या हो गए? जैविक क्रियाएं। तो जैविक क्रियाएं कौन कौन सी हैं पढ़ते आए बचपन से, जैसे अपन देखें सबसे पहले अपन देखें श्वसन, बहुत सारी होती है जैविक क्रियाएं, श्वसन हो गया, उत्सर्जन, और बताओ वृद्धि, गति एवं गमन और प्रजनन, और सबसे मुख्य तो यही है कोशिकीय प्रवृत्ति या कोशिकीय संरचना। अभी इनके बारे में एक एक कर पढ़ेंगे हम आगे। और देखो अनुकूलन और उत्तेजनशीलता, और तो श्वसन हो गया, उत्सर्जन, वृद्धि, गति एवं गमन, प्रजनन, उपापचय यानी मेटाबॉलिज्म, और देखो तो ये सारी चीजें हैं, जैसे श्वसन हो गया, इसके बाद पोषण, ठीक है। तो ये सारी कौन सी क्रियाएं हैं? ये सारी जैविक क्रियाएं हैं, या अपन कहें सजीवता के लक्षण हैं। जो जीवों के अंदर ये क्रियाएं होती है वो सजीव है, नहीं होती है निर्जीव है। तो इनको आप एक बार इस तरह से एक बार पढ़ेंगे दोबारा। तो जैविक क्रियाएं जो सजीव बनाती है किसी जीव को वो है श्वसन यानी रेस्पायरेशन, उत्सर्जन यानी एक्सक्रीशन, वृद्धि यानी ग्रोथ, गति एवं गमन, ठीक है, मूवमेंट या लोकोमोशन, प्रजनन यानी रिप्रोडक्शन, कोशिकीय संरचना यानी सेलुलर स्ट्रक्चर, अनुकूलन यानी कि अडेप्शन, उत्तेजनशीलता, उत्तेजनशीलता का मतलब होता है कि सेंसिटिविटी, ठीक है, वो बाह्य वातावरण के प्रति उसका क्या व्यवहार है, ठीक है, सेंसिटिविटी, उपापचय यानी मेटाबॉलिज्म, और पोषण यानी न्यूट्रिशन। तो ये हो गए किसी भी सजीव के अंदर पाए जाने वाले जैविक क्रियाएं या सजीवता के लक्षण। तो इसमें आज के वीडियो में हमने पदार्थ के बारे में पढ़ा कि पदार्थ क्या होता है, दोबारा रिकॉल कर लेते हैं, हमारे चारों तरफ जो कुछ भी है वो क्या है, पदार्थ है, जैविक पदार्थ और अजैविक पदार्थ, जिसमें जैविक क्रियाएं होती हैं वो जैविक पदार्थ, जिसमें नहीं होती वो अजैविक पदार्थ, जैविक पदार्थ को हम सजीव कह देते हैं, अजैविक पदार्थ को निर्जीव कह देते हैं, और किसी पदार्थ में जैविक क्रियाओं का संपन्न होना उस कंडीशन को क्या बोल देते हैं, जीवन बोल देते हैं। तो जीवन जिसमें जैविक क्रियाएँ हैं वो सजीव हो गया, और जैविक क्रियाओं का शुरू होना क्या कहलाता है, जीवन कहलाता है। जैविक क्रियाएं कौन कौन सी है यहाँ पर बोर्ड पर लिखी हुई है, तो एक बार इनको अपन वैसे वर्बली याद कर लेंगे, फिर हम इनके बारे में एक एक करके अगले वीडियो में अच्छी तरह से इनका वर्णन कर लेंगे। अभी हम हमारी जो रफ्तार है हम धीमी गति से ले रहे हैं, लेकिन जो है वो याद करने की जो प्रक्रिया है वो सॉलिड होनी चाहिए, धीरे धीरे स्पीड बढ़ेगी, लेकिन स्पीड उसी हिसाब से बढ़ेगी कि आपकी जो कैचिंग पावर है वो किस तरह से आप उसको कैच कर पाते हैं। तो अपनी पढ़ाई को बिल्कुल ना रुकने दें, जारी रखें, घर में रहें, सुरक्षित रहें।